हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक पैराग्राफ लिखना और इस पैराग्राफ में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना सीखेंगे और टाइटल है आपका हेल्पिंग अ स्ट्रेंजर, यानी किसी अजनबी की सहायता करने के बाद आपको कैसा अनुभव होता है, किस तरह की फीलिंग आती है, आज के पैराग्राफ में लिखना सीखेंगे। एक एक लाइन अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आ जाए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और हाँ, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। देखिए पहली लाइन, We have our house, हमारा अपना घर है, by the side में of a busy road, एक busy road की side में है। It was the hot month of July, जुलाई का बिल्कुल गर्मी भरा महीना था। I was standing, मैं खड़ा हुआ था, at the gate पर खड़ा हुआ था, of my house, अपने घर के। I saw an old man, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा, who had a scooter, जिसके पास एक स्कूटर था, but was not riding it, लेकिन वो उसको चला नहीं रहा था। He was pulling it, वह उसको खींच रहा था, घसीट रहा था, along with great difficulty, बहुत बड़ी मुश्किल के साथ, problem हो रही थी उसको खींचने में, घसीटने में। He was sweating, उसको पसीने आए हुए थे, from head to foot, सिर से लेकर पैर तक पसीनों से लथपथ था। I thought, मैंने सोचा, something had gone wrong, कि कुछ न कुछ गलत हुआ है इस आदमी के साथ, with his scooter, या उसके स्कूटर के साथ कुछ गलत हुआ है। I felt, मैंने अनुभव किया, I should help him, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, and walked up to him, और उसकी तरफ मैं चला गया, उसके पास चला गया। When I asked him, जब मैंने उससे पूछा, if I could help him, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ क्या, he said, उसने कहा, That his scooter had suddenly run out of petrol, कि उसके स्कूटर का अचानक से पेट्रोल खत्म हो गया, and that he would have to drag the vehicle till he reached a petrol pump, और उसको उस व्हीकल को घसीटना होगा, घसीटना पड़ेगा जब तक वो पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंचेगा। But the nearest petrol pump was still a long way off, लेकिन सबसे नज़दीक पेट्रोल पंप था वो भी काफ़ी दूर था। I at once asked him, मैंने उनसे कहा, To wait a little, कि थोड़ी देर के लिए आप इंतज़ार कर लीजिए। I said that, मैंने ये कहा, I would take out, कि मैं ले आऊँगा कुछ पेट्रोल ले आऊँगा, from my own bike, अपनी खुद की बाइक से, and give it to him, और मैं आपको दे दूँगा। He could then drive, फिर उसके बाद वो पेट्रोल डलवा करके ड्राइव कर सकता था to the petrol pump, और पेट्रोल पंप पर जा सकता था, and get his tank filled there, और अपना जो टैंक था वहाँ उसमें पेट्रोल डलवा सकता था। After I had done this little act of kindness, इस दयापूर्वक काम को करने के बाद, I felt happy all day, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहा, मैंने अनुभव किया कि मैं हमेशा खुश रहा, पूरा का पूरा दिन मैं मेरे चेहरे पर मुस्कान रही। उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ लिखना आ गया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।